गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है महाड़ और हम लोग महाड़ से आज जा रहे हैं मुंबई। ये मेरा कॉमन रूट रहेगा क्योंकि इसके आगे जो भी राइड्स होंगी या तो वो मुंबई से होंगी या तो पुणे से होंगी, और अगर मैं गोवा वगैरह जाता हूँ तो वो राइड्स होंगी। ये देखो, ये है चौदार तले, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो सत्याग्रह किया था पानी के लिए वो यहीं पर हुआ था। ये वो लोकेशन है। यहाँ पे खूबसूरत व्यू है जो महाड़ से होके बहती है सावित्री रिवर, उस रिवर का। ये देखो रिवर का एक व्यू देखो। और यहाँ पे हम लोग कनेक्ट हो गए हाईवे पे और हम लोग ऑफिशियली अभी एग्जिट कर चुके हैं महाड़ से। मेरे लेफ्ट साइड में है सावित्री रिवर, सामने भूभू, पूरी तरह से फॉगी वेदर। स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस खूबसूरत दिन में, और इस दिन में हम राइड कर रहे हैं मुंबई के लिए। महाड़ से जा रहा हूँ मैं मुंबई, ये मैं जा रहा हूँ एक पर्सनल काम के लिए। वाह, तो ये देखो ये सारा रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये अब सोचो इतनी बड़ी रोड हो जाएगी तो आप गोवा कैसे कितने अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। अरे ये क्या ले जा रहे हैं भाई बाइक पे, वो भी कुर्सियाँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यूज है, ये देखो रिवर का व्यू, ये रही जो झाड़ी दिख रही है नदी के ऊपर वो साइड में, वो है सव। और जो सव है वहां पर गर्म पानी के झरने, तो कभी भी आप आते हो ना तो यहाँ से आपको एक छोटी सी बोट होती है ना, वो आपको रिवर क्रॉस करा के दे देती है, और वहाँ पर जाके आप ऐसे पॉन्ड बने हुए हैं छोटे छोटे, उसमें आप नहा सकते हो। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट वहाँ से एक 10-15 किलोमीटर तक, और यहाँ पर है वीर रेलवे स्टेशन। तो ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ से आप कनेक्ट हो पाते हो महाड़ सिटी में। तो अगर आप ट्रेन से आते हो और आपको जाना है रायगढ़ पोर्ट या फिर महाड़ घूमना है तो आपको ये रेलवे स्टेशन पे उतरना होगा। और यहाँ पर कोई एक बहुत कम एक्सप्रेस ट्रेन रुकती है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लोनेरे। लोनेरे एक हाईवे पे बसा हुआ छोटा सा गांव है, और इसकी एक खास बात है कि यहाँ पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसका नाम है बाटू। बाटू मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, और डिप्लोमा कॉलेज का नाम है IOPE, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। ये जो रोड देख रहे हैं आप, ये रोड से अंदर सीधा आप जाएंगे तो वहाँ पर है ये इंजीनियरिंग कॉलेज, काफ़ी बड़ा और खूबसूरत कॉलेज है। लोनेरे के बाद अभी हम लोग पहुँच रहे हैं मानगांव में, एक ब्रिज क्रॉस करेंगे हम लोग, प्रॉपर मानगांव सिटी के अंदर जाएंगे। और ये देखो व्यू, यहाँ से ये जो मोड़ देख रहे हैं आप, अगर आप श्रीवर्धन हरिहरेश्वर बीच दिवेगर बीच यहाँ तक पे अगर आपको जाना है तो यहाँ से आपको डाइवर्जन लेना होगा अगर आप मुंबई से आते हो तो। और ये है मानगांव का ST स्टैंड, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस यहाँ से चलती है मानगांव की। ये जो बैरिकेड्स लगे हुए देख रहे हैं, यहाँ पे छोटी सी पुलिस चौकी है और इसके अंदर ये है स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस। तो यहाँ से भी आपको बसेस मिल सकती है अगर आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन से जाना चाहते हैं, तो वहाँ से आपको बस मिल जाएंगी बसेस श्रीवर्धन के लिए या फिर मसला के लिए। तो मसला से होकर आप दिव्यागर जा सकते हो या तो श्रीवर्धन होकर भी दिव्यागर जा सकते हो। और ये जो मैं वो बात कर रहा हूँ श्रीवर्धन दिव्यागर हरिहरेश्वर, ये काफ़ी अच्छे और टूरिस्टिक प्लेसेस है, और ज़्यादा क्राउड यहाँ पे मिलेगा नहीं आपको, लेकिन स्पोर्ट्स वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ या फिर नेचर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। मानगांव का ST स्टैंड आपने देखा था, उसी के सामने पुलिस चौकी के सामने आपको एक और रोड जाती हुई दिखेगी जो सीधी जाती है तामानी घाट। आप अगर तामानी घाट भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी तामानी घाट के बारे में। बहुत अच्छे रोड्स है वहाँ पे, बहुत अच्छा व्यू है, और तामानी घाट कनेक्ट करता है आपको डायरेक्ट पुणे में। जंजीरा 49 किलोमीटर्स, मुरुड़ बीच जंजीरा। तो ये है इंदापुर। यहाँ से एक रोड जा रहा है अंदर, तो आप पढ़ सकते हो, ये रोड सीधा जाता है तला से होके आप जा सकते हो मुरुड़।
और ये यहाँ का एसी स्टैंड, इसके पीछे एसी स्टैंड है ये। तो मुरुड़ बेसिकली है क्या, मुरुड़ में जंजीरा पोर्ट है। जंजीरा पोर्ट अगर आपको पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक छोटी सी हिंट देता हूँ। वो ऐसा पोर्ट है समुंदर के अंदर है, और वो आज तक वो किला, मतलब आज तक मतलब उन दिनों में, वो किला जो है वो कोई जीत नहीं पाया था, कोई भी नहीं। ऑलराइट दोस्तों, अभी हम लोग पहुँचेंगे कोलाड। ये भैया देखो, ये ड्राइवर बहुत रेकलेस है, देखो ये बहुत रेकलेस ड्राइविंग कर रहा है ये, इसको तो पीछे टालने पड़ेंगे। देखो ऑलराइट दोस्तों, तो अभी आएगा कोलाड। कोलाड से एक डाइवर्जन होता है जो आपको सीधा लेके जाता है रोहा, और रोहा से आपको और दो रूट मिलते हैं। एक जाएगा आई थिंक रामराज ऐसा कुछ है, वो कनेक्ट करता है डायरेक्टली आपको अलीबाग में। मतलब अलीबाग एक काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। और अगर दूसरा एक रोड जाता है वो चनेरे से होके जाता है, जिसमें आपको ऑन दी वे आपको मिलेगा बिरला टेंपल, और आप कनेक्ट हो जाओगे रेवदंडा में, मतलब अलीबाग में। अलीबाग के बाहर जो फेमस है, अलीबाग का सबसे फेमस बीच नागाव बीच जो है, वहाँ पे कनेक्ट हो जाते हो। अगर आपको वो साइड में नहीं जाना है तो इसी रूट से आपको जा पाओगे। देखो ये देखो दोस्तों, ये है वो डाइवर्जन, यहाँ से आप जा, ये रोड की बात कर रहा था मैं। तो अगर आप अलीबाग नहीं जाते तो वहीं से आपको आप कनेक्ट कर पाते हो मूर रोड के लिए, मतलब जो काशीद वगैरह बीच है वहाँ पे। बिरला मंदिर आप क्रॉस करके आगे चले जाएंगे तो उसके बाद सीधा सीधा जाना है आपको। यहाँ से जो राइट में एक वाव देखो तो बर्ड्स, वो जो रोड है सामने उधर जा रहा है। ये रोड पे अगर आप सीधा सीधे जाओगे तो पहुंच जाओगे पाली, जो बल्लालेश्वर गणपति का मंदिर है वहाँ पे। क्रॉस हो रहे हम लोग नागोटने से, ये सीधा आप जाते हो तो नागोटना सिटी आती है, और हमें कंटिन्यू करना है हाईवे को। अभी ऑलमोस्ट 8:45 वगैरह हुआ, बजा होगा, देखते हैं एग्जैक्ट कितना बजा है। या 8:48, तो 8:48 में ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूँ 9200 किलोमीटर। 7:15 को मैं शायद घर से चल निकला था ये बाइक के साथ। अच्छा रोड कवर किया है, देखो दोस्तों ग्रीनरी देखो, और ये नया ब्रिज देखो। ये ब्रिज की वजह से क्या हो रहा, नीचे से जब भी जाते थे तो वड़कल गांव लगता था, वड़कल की रामवाड़ी, तो रामवाड़ी अभी लगेगा, लेकिन ये ब्रिज की वजह से उस वो जो ट्रैफिक जो लगता था यहाँ पे, मतलब अगर गलती से यहाँ पे आप ट्रैफिक में फंस जाते तो कभी कभी तो दो दो तीन तीन घंटे भी लग जाते ट्रैफिक से निकलने के लिए। तो अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं पेन, यहाँ से जाते हैं अंदर तो पेन सिटी पहुंच जाएंगे आप, जहां पर है रायगढ़ का आरटीओ ऑफिस। कितना बंदोबस्त क्यों है भाई, क्या है भाई थी? क्या बता क्या हुआ है दोस्तों। करनाला का फर्स्ट व्यू यहां से दिख रहा है, ये देखो सामने फॉग के अंदर जो ऐसा खड़ा एकदम चट्टान दिख रही है एकदम सीधी, वो है करनाला, वो रहा ऊपर। देखो दोस्तों ये देखो, यहाँ से अच्छा व्यू मिल रहा है इसका। गाइस देखते हैं हम लोग पहुँच गए पनवेल, 9:23 हो चुके हैं। ये पनवेल का पलस्वा फाटा,
ये देखो ये रोड जाता है जेएनपीटी, आप ये रोड पे सीधा चले जाओगे तो पूना होपोली, मतलब वो वाला रोड। गाइस वेलकम टू पनवेल। पनवेल का ये ब्रिज शुरू हो गया है जो काफ़ी बड़ा है, ये हमें डायरेक्टली बाहर निकाल देगा पूरी पनवेल की ट्रैफिक से। बहुत मज़ा आ रहा है राइड में। मुंबई के अंदर हूँ, सुबह का वक्त है, ट्रैफिक तो इतना नहीं है। और ये नेहरू का स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि जब ट्रैफिक कम होती है ना, एक बार ट्रैफिक रहती है तो लोग एक बार ठीक से चलाते हैं, लेकिन ट्रैफिक कम होने के बाद है ना, कैसे भी रेकलेस चला सकते। अभी ये देखो ये बस वाला कौन सी लोन से किधर जा रहा है। अब ये तो भाई इनका हमेशा का रूट होगा ना, तो मालूम नहीं क्या। एक्सट्रीम राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट में आगे भाई साहब ऐसी लगे, तो वही दिक्कत है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेट करके चलाना पड़ता है जब ट्रैफिक कम होती है। अब ये सीधा रूट जाता है थाना की तरफ और ये लेफ्ट लेके हम जाएंगे सायन मुंबई। दोस्तों ये है टोल नाका वाशी का, वाशी का टोल नाका। लॉकडाउन के बाद पहली बार लोकल ट्रेन दिख रही है मुझे, काफ़ी अच्छा लगता है ट्रेन को देख के। लेकिन अभी लग रहा है ये सिर्फ लेडीज़ और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन लोग के लिए चालू है, सब लोग के लिए अभी तक लोकल ओपन नहीं है। वहाँ पे थोड़ा सा आगे जाके रुकेंगे, रुकने के बाद करेंगे जीपीएस ऑन और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। लंबा ब्रेक नहीं, जीपीएस ऑन करने के लिए एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पे भी इतने सारे पुलिस। ऑप्शंस है अपने पास, अगर इधर कुछ लफड़ा हो जाता है तो गाड़ी को डालेंगे बोर्ड में और बोर्ड से निकल जाएंगे अलीबाग। दोस्तों तो अभी चालान कट गया, गलती से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे चला गया जहाँ पे बाइक को एंट्री नहीं थी। अब चालान कितना कटा क्या कटा वो सब जाने दो, चालान कट गया इतना थी। ए भाई गूगल माता ठीक से ले जा यार। अमृत तुल्य जहाँ भाई इतना लाऊ ये भाई, कि वो रॉयल इनफिनिटी डाक ले ना तीतोस लाऊ बाइक।